सबसे पहले बात करेंगे कोडरमा की, जहां के उर्वा मोड़ के पास बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक पर सवार दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये तस्वीरें देखिए, इसी से समझा जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। और बाइक पर सवार थे दो युवक, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। बेकाबू कार ने टक्कर मारी। बाइक के परखच्चे उड़ गए। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोडरमा से यह खबर, जहां बाइक को टक्कर मारी बेकाबू कार ने और बाइक पर सवार दो युवकों की इस हादसे में जान चली गई। सहयोगी आर्यन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आर्यन, ये हादसा कैसे हुआ और क्या जो जिन दो युवकों की मौत हुई है उनकी शनाख्त हो पाई है क्या अब तक? जी बिल्कुल, ये चंदवारा थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ पे दो मोटरसाइकिल सवार थे, ये जयनगर से बरही की तरफ जा रहे थे। इसके बाद जो फोर लेन सड़क का जो काम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है बरही से लेकर कोडरमा के बीच। तो जिस जगह पर ये दुर्घटना हुई थी वहाँ पे एक सिंगल लेन सड़क है, जिस तरफ से दोनों गाड़ियों को निकाला जाता है, अप और डाउन लाइन की गाड़ियों को। उसी में लेन चेंज करने के दौरान ये वैगन आर कार था और ये बाइक, दोनों आपस में भिड़ गए थे। सामने से दोनों की टक्कर हुई थी, जिसमें जो दो मोटरसाइकिल सवार हैं ये तिलैया के जयनगर प्रखंड के रहने वाले हैं, इनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। और फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। जो वैगनार में जो लोग बैठे थे वो भी घायल हैं, उन्हें अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी, तो वो जो घायल है उनमें से कितने लोग हैं वो? जी, वैगनार कार में भी दो लोग सवार थे, जो दोनों लोग घायल हैं, क्योंकि कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस वक्त ये दुर्घटना हुई थी उस समय दोनों गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी, इसीलिए इतनी गंभीर ये दुर्घटना घटी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को, जो मोटरसाइकिल सवार थे, उन्हें कब्जे में ले लिया है और कोडरमा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जो दोनों जो कार सवार थे उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और फिलहाल जो चंदवारा पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। सड़क पे जो गाड़ियां पड़ी हुई थी उसे भी किनारे किया गया है और रांची पटना मुख्य मार्ग पर जो आवागमन है वो सामान्य किया गया है। अभी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ये हादसा लेन चेंज करने के दौरान ये दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई और टक्कर कितनी जोरदार रही ये सड़क पर बिखरे मलबे आपको बता रहे हैं। और इस हादसे में बाइक सवार जो दो लोग थे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और बताया जा रहा है कि कार में भी दो लोग सवार थे, दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।